गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो गाइस, बजने वाले हैं 11:30। 11:05 हो गए हैं, 11:30 में 10 मिनट बाकी है भाई। वैसे सुबह का काम तो कब से कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज क्या हुआ ना, हम सब लोग एक साथ फ्री हो गए ना, तो सब लोग ऊपर बैठे थे और थोड़ी वो धींगा मस्ती की और मौज मस्ती की, बस बहुत मजा आया। वैसे आज देख लीजिए, लौकी पीछे पड़ी है, आज ही ऊपर से आई है लौकी। बस आज एक नई लौकी आ गई हमारे घर में। वैसे तो सबको एक एक दी है, लेकिन कोई बाकी रह गया होगा तो उसका भी अब वार आ जाएगा। आप सबको भी चाहिए हो ना तो हमारे घर पे लेने के लिए आ जाना। मैंने पहले भी ऑफर दी है और आज भी दे रही हूँ। वैसे आज भाभी गए हैं जिम में। आज तो भाई दोपहर का टाइम है, हम दोनों दोपहर में ही जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ, उसे अब जल्दी फ्री हो गए तो वो भी चले गए हैं। और वहां से फोन भी आ गया है कि मेरा वजन है ना कम आया है। वैसे हम दोनों ने कल बेट लगाई थी ना, तो वो जीत गए हैं। ऐसा है भाई, तो अब मैं हार गई हूँ ना, तो मुझे सबको होटल में ले जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ले जाएंगे, जब भी फ्री हो गए तो हम सब लोग चले जाएंगे। वैसे पापा ने तो बोला है डोसा ही खाना है, तो हम सब लोग डोसा खाने जाएंगे। मम्मी जी तो अभी ऊपर है, वो नीचे नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वैसे कल से है ना पावर बहुत हमको हैरान कर रहा है भाई, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो गया है। कल शाम को है ना 7 बार पावर चला गया। आता है जाता है, आता है जाता है, पता नहीं वो एंट्री पाड़ने के लिए आता है या फिर हम लोगों को हैरान कर रहा है। तो बस आज तो दोपहर की रसोई में है भरवा बैंगन की सब्जी, रोटला, और वो भाभी ने है ना मरचे का वो अचार लगा दिया है, बस ऐसा है। और ये माखन भी काम चल रहा है, लेकिन अभी तो पावर चला गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, रसोई बन गई है वो। तो ये देखिए गाइस, भरवा बैंगन की सब्जी बन गई है इधर बढ़िया मात्रा में। इधर ये देखो सब कुछ काथरोड बाटकोड रेडी कर लिया है। और ये दीवू का, और ये दीवू के लिए है ना बटाका पूरी बनानी है। तो देख लीजिए, इसमें ये आलू के चिप्स बन गई है और ये खीरा भी बन गया है। और इसमें है माखन, वैसे बढ़िया मात्रा में इसमें माखन बन रहा है, देख लीजिए। लेकिन पावर चला गया है ना, तो हम लोग अभी काम नहीं कर सकते भाई। तो बस इतना तैयार हो चुका है और इसमें दूध गर्म हो गया है भाई। तो बस अभी मम्मी जी आएंगे और वो रोटला बनाएंगे और मैं ये पूरी बना लूंगी। तो ये देखिए गाइस, मम्मी जी ऊपर से कपड़े का डिपार्टमेंट पूरा करके इधर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आज साड़ी ऐसी क्यों पहनी है, कहीं पे बाहर जाना है आपको? तो मन एम लगे कि आमा गड्ढा मानसो ने साड़ी केम पहेरी छे? હજી તમે નાના છો, હજી કઈ આ હાડી પહેરો એટલા બધા બાન જ બની ગયા? અનુભવ થઈ ગયો ને। વેસે ક્યાં ચાલ રહા હે બતાવો? ચાલ રહ્યા તો હવે નવરા છે। હા, અભી નવરે હુએ હે, હવે ગટપણ નો પોરા ખાતા ખાતા કામ કરવું પડે, હવે કઈ જોવાની નથી। તો બસ એસા હે, રસોઈ આધી તો બન ચૂકી હે, આજ આપકી થોડી ડ્યુટી હે રોટલા બનાવવાના હે। ઊભું રહેવા થાય અને તમે કરવા પડશે। મારા તો બહુ જાડા બનશે મમ્મી, તોય ખાઈ લે। આદમી ને નહીં આલે, બાયુ તો ખાઈ લેશું આપડે। ઊભું નથી રહેવા તો બે હાથું હરકો નથી એવું થયું। વો આપકો કમર કા પ્રોબ્લેમ હે ના, ઇસલીએ એનામાં ટૂબ સોબડી તે એટલું કામ થયું। તો ગાઈસ, પપ્પા જે હે ના દીવું કો લેને કે લિયે ચલે ગયે હે, ઇસલીએ દેખિયે મેને યે તેલ ગરમ કરને કે લિયે રખ દિયા હે। ઇસમે ના થોડા શાયદ પાણી ચલા ગયા, ઇસલીએ આવાજ આ રહી હે। तो चलिए वो आए ना, तब तक हम ये पूरी बना लेते हैं। तो वो है ना आते ही खा ले, वरना है ना वो नाश्ता करने में ही रहेगा। गुड आफ्टरनून गाइस, तो दोपहर के बज गए हैं 4:30। वैसे चाय पार्टी पूरी हो गई है और कपड़े बपड़े भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज मम्मी जी है ना थोड़ा थक गए थे, इसलिए है ना इस्त्री का काम मैंने कंप्लीट कर दिया। तो बस अब शाम तक कोई काम नहीं है, बस पूरा घर कंप्लीट हो गया है, ऐसा सब कुछ है। अभी कोई मेहमान वेहमान आ जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन देखते हैं भाई। भाई जो देखो सोसाइटी पूरी शांत है, कोई नहीं दिख रहा है यार। और वैसे लोकी बहन तो हमारी हर रोज़ की तरह मौज कर ही रही है। और कल से हमारे मामा के घर पे स्टार्ट हो रहे हैं मैरिज, तो बस बहुत मज़ा आने वाला है, पूरी कज़िन गैंग मिलने वाली है वहाँ पर।
वैसे आपको तो पता ही है कि मेरी कजिन गैंग कैसी है, तो बस वो सब मिलेंगे, बहुत मजा करेंगे और बहुत मजा आएगा। पूरा पियरिया मिलने वाला है कल, तो बहुत मजा आने वाला है भाई। वैसे कल पीठी का कार्यक्रम है, तो कल मैं और संजू जाने वाले हैं पीठी में। देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है, वो तो पता नहीं है, 2 बजे आने के लिए बोला है भाई। तो जी बज गए हैं 4:45 और हम सब लोग बाहर जा रहे हैं, देख लीजिए बस लेडीज को बाहर जा रहे हैं। वैसे आप लोगों को है ना सरप्राइज मिलने वाली है, क्योंकि मैं है ना अभी नहीं बताने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले है, लेकिन बहुत बड़ी सरप्राइज है। हम 4 जा रहे हैं, दोनों भाई तो नहीं आ रहे वैसे, तो बस सरप्राइज है। आप लोग है ना गेस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और आपको क्या सरप्राइज मिलने वाली है। तो जल्दी जल्दी आप है ना कमेंट कर दीजिए कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं और आपको क्या दिखने वाला है नया हमारे घर में। तो बस ऐसा है, वैसे मैंने हिंट तो दे दी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर देना और हम लोग जा रहे हैं। बाबा मुझे बहुत लेट हो रहा है। गाइज अभी बजे है 7, देख लीजिए आप घड़ी में, और अभी हम घर पर आए हैं। बहुत ट्रैफिक है यार, इतनी आवाज है, क्या करे यार, पता नहीं पब्लिक को एक साथ ही किधर जाना है। बहुत आवाज था, बहुत ट्रैफिक थी, और घर पे आए 7 बज गए हैं। तो रसोई बनाने वाले रसोईया है ना उसका मूड आज चेंज हो गया है, रसोई नहीं बनानी है भाई। तो आज फिर नक्की हुआ, वैसे भी मैं बेड तो हार गई हूँ भाई, तो आज वैसे डोसा खाने का नक्की किया है, तो सब लोग डोसा खाने जाएंगे। इतनी नींद आ रही है, देख रहे हो ना, आज दोपहर को है ना मैं सोई नहीं हूँ, वैसे आराम किया था, लेकिन आज है ना नींद ही नहीं आई। अब खाने के बाद हम है ना डायरेक्ट मेरे फई के घर पे जाने वाले है। वैसे मेरे फई की तबीयत है ना थोड़ी खराब है, और हमारा बैठने जाने का भी बहुत टाइम से बाकी ही रह गया है, इसलिए है ना ये भूख का ओटकार है, खाने का नहीं, इसलिए हम सब है ना खाने के बाद तुरंत वहां से डायरेक्ट हमारे फई के घर पे जाने वाले हैं। क्या तब दे बताइए, क्या पता है श्यामा, શું પૂછવા માં મમ્મી બહુ પતલી છે, હું ક્યાં કહું છું જાડી છે, તાર મમ્મી જાડી નથી, હાવ એકદમ પતલી પરમાર છે તાર મમ્મી, હાવ પતલી છે, હવે જાડી કરવી છે, કેટલી કરવી છે, બહુ પૂછી જો તો મમ્મી ને પૂછતો, દેખ્યો દાદા કે સાથ ઝઘડ રહ્યા હે, ડબ્બા માં શું છે દીવું, ડબ્બા માં શું છે બતાય તો, હા દાદા ને શું છે બતાય, ઓહો યે કિસને દીએ તુજે એટલા બધા ઢાંકણા, ક્યાંથી લાવ્યો તું, નિંજુના છે, એટલે રાડું નાખે છે એમ કે ને, એવું છે, આ ડબ્બો કોણે લઈ દીધો તને, ડબ્બો કોણે લઈ દીધો, ખોટું બોલ, માં આપણી ગાડી ડીકી માં હતો, કોણે લઈ દીધો, તું નાક માંથી કેમ વાત કરશો, છોટું બોલ, માં તો દેખીએ, ઇધર મમ્મીજી ભી તૈયાર હોકર આ ગયે હે, ઓહો મમ્મીજી દેખીએ કુછ અલગ દીખ રહા હોગા, આપ દેખ કર કમેન્ટ કર દેના એક બાર, આજ તો મમ્મી આપને એ સાડી પહેલી બાર પહેરી ના, બહુત મસ્ત લગ રહી હૈ, સરસ હૈ, વૈસે આજ દિન મેં જો આપને સાડી પહેરી હતી ના, વો આપકો સૂટ નહીં હો રહે, વો મત પહેરના આપ, જો સાડી તો નહીં પહેરી, લેકિન ગલે મેં દેખા
नया गोल्ड का पेंडल आ गया है। हाँ भाई देख लीजिए गाइस, गोल्ड का नया पेंडल आ गया है मम्मी के लिए। और अभी एक सरप्राइज तो बाकी है, सरप्राइज नहीं है ये, आप लोगों को गेस करना है ये। तो बस सब लोग रेडी होके बैठ गए हैं, दोनों भाई चले गए हैं क्या अंदर नीचे से? हाँ दोनों भाई, ओके हाँ दोनों भाई चले गए, हम चार ऊपर है तो चलिए हम भी जाते हैं डोसा खाने के लिए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं GJ5 फैंसी डोसा में, योगी चौक एरिया में है। पहले है वैसे हम दूसरी होटल में गए थे, लेकिन है ना हमको डोसा खाना था ना, तो वहाँ पे डोसे है ना थे नहीं, इसलिए हम लोगों ने है ना ये होटल में आए हैं। देख लीजिए यहाँ पर बलून भी बेच रही है लड़की भाई, और ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए गार्डन है, स्लाइडर है, सब कुछ है, देख लीजिए। तो देख लीजिए इधर बाउल का पूरा बंच आ गया है और हम लोगों के लिए इधर रख रहे हैं। अभी देखिए संजू मेनू देख रहे हैं, पता नहीं क्या मंगाने वाले हैं सब लोग। वैसा जैसा है कि सब लोगों का है ना एक ही जैसा मंगाएंगे, जल्दी आ जाए और खा ले ऐसा है भाई, सबको बहुत भूख लगी है। बस देखिए यहाँ पर जगह है, वो सब लोग आ रहे हैं, मैं और संजू इधर बैठ गए हैं। देखिए भाभी आ रहे हैं जीते हुए खिलाड़ी। गाइस बज गए हैं 11:15, देख लीजिए आप घड़ी में। फई के घर पे गए थे उसके बाद और एक रिलेटिव के घर पे गए थे, इसके लिए है ना बहुत लेट हो गया है आज, पता नहीं नींद भी बहुत आ रही है। दोपहर को आराम किया लेकिन है ना एक भी झोला नहीं आया, मुझे नींद ही नहीं आई, इसलिए अभी बहुत नींद आ रही है। 11:15 बज गए तो चलिए जल्दी जल्दी सो जाते और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए कंटेंट के साथ, तो चलिए तब तक के लिए आओ जो और देखते रहिए मेरे वीडियो, आओ जो बाय बाय, टाटा, थैंक यू, टेक केयर।